ले लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। छोटा एग्जांपल लेते हैं, 2 -1 3 6। और मैं कहता हूँ शो दैट 2A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या किया हमने, 2A जब हम मैट्रिक्स में बोलते हैं तो हमने बताया था कि हर एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 -2 6 and 12। अब इसके डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू बना लीजिए, तो ये हो गया 4 6 -2 12, तो कितना आया, 48 + 12 यानी कि 60। फिर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लगाइए अलग से, तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, 2 3 -1 6, तो कितना आ गया, 12 + 3 इट इज़ 15। तो RHS मुझे कह रहा है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यानी 4 × 15 आप करेंगे तो यूल गेट 60। तो सेकेंड एंड ये मेरा फर्स्ट है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। लिख लेते हैं, क्या नोट ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स के साथ, तो उस पूरे का डिटर्मिनेंट जब हम बोलेंगे तो ये क्या होगा, K^n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर एन क्या है मेरा, n×n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे इस पे बेस्ड एग्जांपल देखिए, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। If determinant of A is 2 and order of A is 3/3, तो ये वन मार्कर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने बोला 3 determinant of A, तो यहाँ पर K मेरा क्या है, 3 है, और order मेरा क्या है, यहाँ पर order है 3/3, जो यहाँ पर हमने क्या बोला, n×n। तो अगर ऑर्डर 3/3 है तो ये बाहर आके 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर है वही मेरा पावर में जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो इसका 3 की पावर हम 3 लगा देंगे, एंड ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3 की पावर 3 क्या हो गया, 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मुझे दे रखा है 2, तो आंसर आ गया 54। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। Find k if ka is eighteen, where determinant of a is 2 and order of A is 2/2। तो के ए इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 18, क्योंकि ऑर्डर 2/2 है तो आई कैन से कि वैल्यू जो आएगी के स्क्वायर आएगा, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा विच इज 18। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, तो के स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 18/2 दैट इज 9। तो यहाँ से के स्क्वायर 9 आया, तो आई कैन से के इज इक्वल टू +-3। ये मेरा आंसर आ गया।
इट। तो इन सब के बेसिस पे आप 4.1 कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल एक्सपेंशन है। चाहें तो इसके पहले एग्जांपल्स देख लें। टू स्टार्ट करते हैं और 4.2 से पहले कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन हमने बात ही कर लिया है, फिर है प्रॉपर्टी, अगर हम डिटर्मिनेंट्स में रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इफ़ रोज़ और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अटेन्स नेगेटिव साइन। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा ये कोई ए मैट्रिक्स 5, 4, 3, 2, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो वैल्यू मेरी आ रही है 5, 4, 3, 2, यानी 10 - 12 तो वैल्यू इज़ -2। अब इस डिटर्मिनेंट में मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, रो को इंटरचेंज कर लेते हैं विद रो वन को रो टू के साथ, तो ये डिटर्मिनेंट मेरा क्या बन जाएगा, 3, 2, 5, 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये हो गया 12 - 10 जस्ट 2। पहले -2 थी, अब क्या हो गई, +2 हो गई, यानी माइनस का निशान माइनस माइनस लगाने से चेंज हो गया, यानी हमने बोला इट अटेन्स नेगेटिव साइन। तो ऑलरेडी पहले मेरे पास वैल्यू नेगेटिव थी, तो माइनस और लगाएंगे तो इट इज़ पॉजिटिव। यानी इन जनरल जैसे हमने बोला कि डिटर्मिनेंट को हम इससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सपोज़ ये कोई डिटर्मिनेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड मैं इसमें अप्लाई करता हूँ C1 इंटरचेंज विद C2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगी, आगे माइनस का निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा 1, पहले सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5, 8 एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा 1, 4, 7, 3, 6, 9। यानी मैं आगे निशान नेगेटिव एक निशान लगा देंगे, माइनस है, अगर हमारे पास ये कोई डिटर्मिनेंट है के ए बी सी और के अल्फा बीटा गामा के एक्स वाई जेड, तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है के, फर्स्ट कॉलम में कॉमन फैक्टर के है, तो मैं इसको बाहर ऐसे लिख सकता हूँ ए बी सी अल्फा बीटा गामा एंड एक्स वाई जेड। यानी किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो मैं उसको बाहर ले सकता हूँ, सिमिलरली अगर बाहर है तो इसको मैं किसी भी एक रो या कॉलम में अंदर ले जा सकता हूँ। जैसे अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के ए के बी के सी अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड,
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल आर प्रोपोर्शनल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अटेन्स बिकम्स ज़ीरो। एक्सरसाइज 4.2 में हमने कहा क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे यह है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, कॉलम थ्री में हमने कहा कॉलम थ्री में आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कॉलम टू को। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ए, एक्स प्लस बी माइनस बी, एक्स प्लस सी माइनस सी। तो वैल्यू मेरी क्या हो गई, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स दिस वाई प्लस दिस इज जेड, वाई एंड जेड हो जाएगा। तो अब देखिए कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल, तो सिंस सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, तो देयरफॉर डेल्टा बिकम्स ज़ीरो। अब हम क्वेश्चन पहले थर्ड लेते हैं। थर्ड में देखिए ये है टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड एट्टी सिक्स, इसको मुझे शो करना है ज़ीरो है। तो सबसे पहले हमने कहा कॉलम थ्री अप्लाई किया सी थ्री माइनस सी वन, तो क्या बनेगा टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी फाइव माइनस टू एंड सेवेंटी फाइव माइनस थ्री एट्टी सिक्स माइनस फाइव, तो ये हो गया टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन सिक्सटी थ्री सेवेंटी टू एट्टी वन। सब में से आप देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है थर्ड कॉलम में से एक, तो नाइन मैंने बाहर ले लिया, टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन, ये हो गया सेवन एट एंड नाइन, तो ये दोनों ही मेरे आइडेंटिकल है, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो है सिंस सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर टू हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारा ऐसे है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी।
इसको मुझे ज़ीरो प्रूव करना है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा आर वन लगाइए, आर वन टू आर थ्री सबको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यानी ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर एडिशन होकर के वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू आएगी। यानी कैसे देखिए ज़रा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई, प्लस सी माइनस ए, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर ऐड हो गई। ऐसे ही ये है बी माइनस सी, तो ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी यहाँ पर, प्लस सी माइनस ए, ये वाली वैल्यू भी ऐड हो जाएगी यहीं पर, प्लस ए माइनस बी, ऐसे ही सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, बाकी यहाँ पर एज इट इज़ बी माइनस सी लिख दिया, सी माइनस ए लिख दिया, ए माइनस बी लिख दिया, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो ये हो गया ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, बाकी सब सेम है। तो एक रो में सारे ही एलिमेंट अगर मेरे ज़ीरो हो जाएं तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? सिंपली जब मैं इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करूँगा तो पहले ज़ीरो लिखा, फिर ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, फिर ज़ीरो लिखा, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, फिर ज़ीरो लिखा, तो ज़ीरो आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारे मल्टीप्लाई होने से पूरा रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ गया। ओके, फोर की क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ये है वन वन वन, बी सी सी ए बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए सी, ए प्लस बी, इसको मुझे ज़ीरो प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, वन वन वन, बी सी सी ए बी, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, फिर अप्लाई किया थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में हम ऐड कर देते हैं सेकंड कॉलम को, तो ये हो गया वन वन वन, बी सी सी ए और ए बी, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो तीनों में से ये कॉमन मेरा बाहर आ सकता है, ये भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, तो ये मैंने बाहर ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अंदर क्या बच गया, ये हो गया वन वन वन, बी सी सी ए बी, वन वन वन, तो ये मेरा आइडेंटिकल हो गया, वैल्यू ज़ीरो हो गई क्योंकि सी वन एंड सी नंबर फाइव की हमें प्रूव करना है बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ए पी एक्स एंड बी क्यू वाई सी आर जेड। तो क्या किया हमने, हमने बोला आप आर वन लीजिए,
आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ऐसा क्यों? क्योंकि आप चेक करिए, जो ये है और ये है, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि ए यहाँ भी है यहाँ भी है, बी यहाँ भी है यहाँ भी है, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं ऐसी इनको इनको और इनको ऐड करता हूँ तो ये मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू, ट्वाइस ऑफ पी, ट्वाइस ऑफ आर, तो टू पी प्लस क्यू प्लस आर। ऐसी इस इन इन एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इनको कॉलम वाइज ऐड करूँगा तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला। तो मैंने अप्लाई किया है ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मेरा ऐसे आ जाएगा। बाकी सब सेम रखते हैं, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। तो टू सब में से मेरा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये सेम आ गया, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। इसके बाद आप अप्लाई करिए, कर लेते हैं आर टू, सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फर्स्ट रो, एंड आर थ्री थर्ड रो में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फिर से फर्स्ट रो। तो टू आगे है ही मेरे पास, तो फर्स्ट रो मेरा सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो जब मैं सेकेंड रो इसमें से इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सी और ए मेरा कट जाएगा, माइनस बी बचेगा, मैंने लिख दिया माइनस बी। फिर इस एलिमेंट में से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इस पूरे एलिमेंट को, तो मेरे पास आर और पी दोनों में कॉमन है, आर यहाँ भी है और पी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ क्यू बचेगा, तो रिजल्ट विल बी माइनस क्यू। ऐसे यहाँ पर इसमें से जब मैं इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जेड और एक्स दोनों में कॉमन है, वो टर्म कट जाएगी मेरी, सिंपली माइनस वाई बचेगी। ऐसे आप यहाँ देखिए ए प्लस बी, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास ए प्लस बी छोड़ के सी रह जाएगा, पी प्लस क्यू छोड़ के आर रह जाएगा, एक्स प्लस वाई छोड़ के जेड मेरा रह जाएगा। अब आप देखिए सेकंड रो में से और थर्ड रो में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, या फिर कॉमन लेने से पहले मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो क्या होगा जब मैं ये अप्लाई करूँगा, तो ये माइनस बी है माइनस सी है, ये इसमें अगर ऐड होगा, यहाँ प्लस बी है प्लस सी है, तो दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो विल गेट ए, और यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, विल गेट पी, वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, विल गेट एक्स। तो बच गया माइनस बी, माइनस क्यू, माइनस वाई, माइनस सी, माइनस आर, माइनस जेड। तो सेकेंड रो और थर्ड रो में से आप माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। अब एक प्रॉपर्टी हम और डिस्कस करते हैं,
अगर हमारे पास ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 x + y 3 4 a + b 5 6 एंड अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इसके दो डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। कैसे? 1 2 x, दूसरा जो रो आएगा 3 4 a, तीसरा रो 5 6 अल्फा, एंड अगला डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 2 y 3 4 b 5 6 बीटा। यानी ये जो मेरे पास प्लस वाले हैं, इनकी वजह से मैं दो डिटर्मिनेंट में इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। और अगर सपोज़ मुझे ऐसे दो डिटर्मिनेंट्स को प्लस भी करना है, तो ये और ये सेम है, ऐसे ये वाली और ये वाली सेम है, तो जो सेम है वो ऐड नहीं होंगी, वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। और जो डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ये बी प्लस ए और ये अल्फा प्लस बीटा, एंड फाइनली LHS आ जाएगा। तो ऐसा तो बहुत कम ही होता है, बहुत रेयर ऐसा कोई होगा कि मुझे दो को ऐड करने को बोलेगा। ऐसे होगा तो दो को स्प्लिट करने को ज़रूर आ सकता है। एग्ज़ाम्पल 15 है इसके बेसिस पे। क्वेश्चन ये कह रहा है x2 y2 z2 1 + x³ 1 + y³ 1 + z³ हमें गिवन है इक्वल टू 0 है, एंड एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, और टू प्रूव है 1 + x y z = 0। तो अभी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी कि उसके हिसाब से हम इसको ले लेते हैं, एक्स वाई जेड पहला कॉलम सेम, x² y² z² दूसरा कॉलम सेम, थर्ड कॉलम में मैंने 1 1 1 लिख दिया, प्लस पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम सेम, तीसरा कॉलम में x³ y³ और z³ आ गया। अब यहाँ से देखिए, फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से, थर्ड रो में से मेरा कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं फ़िलहाल सेम लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने फर्स्ट में से एक्स, सेकंड में से वाई, थर्ड में से जेड कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 x x² 1 y y² 1 z z² और ये वाला जो मेरा डिटर्मिनेंट है, ये यही वाला है। तो मैं इसको और इसको सेम बनाने के लिए कुछ इंटरचेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 1 1 मेरा फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पे 1 1 1 मेरा थर्ड कॉलम में है, तो मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, C1 interchange with C3। तो इंटरचेंज मैंने बताया, जब भी इंटरचेंज करेंगे तो आगे माइनस का निशान लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1, और सेकंड पोजीशन कॉलम सेम रहेगा x² y² एंड z², थर्ड कॉलम में मेरा आ जाएगा x y और z, और ये दूसरा डिटर्मिनेंट जो है सेम रहेगा 1 1 1 x y z x² y² एंड z²
ठीक है, पर सेकंड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर सेकंड में एक्स वाई जेड है, तो एक हम इंटरचेंज और लगा देते हैं, सी टू इंटरचेंज विद C3, तो क्योंकि एक और इंटरचेंज आया तो यहाँ माइनस था, तो माइनस का निशान, एक और माइनस आएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बनेगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा डिटर्मिनेंट ये और ये सेम है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन ले लिया मैंने, ऐसे हो गया 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, ये टर्म मेरा पूरा बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बचा, प्लस ये टर्म बाहर आ गया तो इसकी जगह एक्स वाई और जेड बचा, और मुझे गिवन ही है क्वेश्चन में शुरू से ही कि दिस इज इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जब भी 1 1 1 आ जाए मेरे पास और मुझे इसको इवेलुएट करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक रो या कॉलम में 2 0 बन जाए, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ रो 1 R1 - R2, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर मेरा 0 बन गया, ये वाली टर्म यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी एक्स माइनस वाई हो गई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये फ़िलहाल ऐसे ही रख लेते हैं इसको, और ये हो गया 1 - x y z। फिर अब फर्स्ट रो में से मेरा कॉमन आ रहा है एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई अगर मेरा बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा, तो ये मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरह से 0 1 एक्स प्लस वाई, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वाई, 1 + x y z आ गया। फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ C2, एक और 0 बनाने के लिए R2 - R3, R2 - R3 यानी इस रो में मैं थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो उससे मेरा क्या मिलेगा देखिए, ऐसे हो जाएगा 0 0 1 एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर, और ये है एक्स माइनस वाई, 1 + x y z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, तो वाई माइनस जेड मेरा बाहर कॉमन आ जाएगा, तो मेरा बच गया 0 0 1, 1 1 जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 1 + x y z इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ लगातार 2 0 हैं, तो अगर मैं एक्सपेंशन करूँगा इसमें, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, जहाँ पर सबसे ज़्यादा 0 है मैं उसी तरफ एक्सपेंशन दूंगा, तो
इसको मैं अगर बाहर लिखूंगा तो ये होगा ज़ीरो, ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, एक डिटर्मिनेंट आएगा, फिर लिखेंगे ज़ीरो, ये रो छोड़ देंगे, एक कॉलम लिखेंगे, एक डिटर्मिनेंट आएगा, फिर आएगा मेरा वन। तो ये रो छोड़ दिया और ये मैंने कॉलम छोड़ दिया, तो बच गया मेरे पास वन वन, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ऐसे। और बाहर मेरे पास ये है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वन प्लस एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो मेरा पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, पूरा ही टर्म ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आगे ये ज़ीरो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रह गया वन। और इसमें भी मैं इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा, वाई प्लस जेड माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये रह गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वन प्लस एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा क्या कट रहा है, वाई से वाई कट गया, यानी फाइनली आ गया जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वन प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें जो है यहाँ से रिजल्ट हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू ज़ीरो बट दिस कैन नॉट बी ज़ीरो, एक्स माइनस वाई कैन नॉट बी ज़ीरो, वाई माइनस जेड कैन नॉट बी ज़ीरो। तो सिंपली ये बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो क्यों नहीं है, ये ज़ीरो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको ज़ीरो डालूँगा तो एक्स इज इक्वल टू जेड आएगा, इसको ज़ीरो डालूँगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा, और इसको ज़ीरो डालूँगा तो वाई इज इक्वल टू जेड आएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आएगा। बट मुझे दिया है कि दे आर डिफरेंट, यानी ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, यानी तीनों ही इक्वल नहीं है, ये मुझे गिवन है। तो फाइनली यही मेरा रिजल्ट आएगा और यही मुझे प्रूव करना था। इट्स प्रूव्ड।